नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। एफएमडीए की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूँकि अभी तो अथॉरिटी का सारा फॉर्मेशन वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया, 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा ईडीसी से और बाकी जो फंडिंग है स्टाम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिलाकर के 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है, जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं एक दो जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 वो चल रहे हैं। आगे विचार किया है कि जो बड़े काम एफएमडीए वही करेंगे और जो छोटे काम हैं पहले से एमसीएफ जो कर रहा है अब एमसीएफ ही करता रहेगा, एमसीएफ से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम, अन्यथा एफएमडीए का पर्पस है जो मास्टर बड़े मेन लाइन्स के काम हैं जो जिसको कहना चाहिए जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए, जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है तो उस नाते से जीएमडीए ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे एफएमडी भी अपने साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से मैन पावर इंजीनियरिंग स्टाफ ये सब उसमें रखेंगे। बड़े कामों में जैसे अमृत टू के जो काम पूरे हरियाणा में शुरू होने हैं तो उसमें लगभग 25% पैसा जो है पूरे हरियाणा का जो आएगा उसके अंदर फरीदाबाद को मिलेगा, 1474 करोड़ में से 370 करोड़ रुपया ये फरीदाबाद को उसमें मिलेगा और ईडीसी के भी जो हर वर्ष पैसे आएंगे वो सब वर्ष दर वर्ष चलेंगे। तो 5 साल का प्लान जो हमने तय किया है उस 5 साल के प्लान में 4,500 करोड़ के काम आज कंसीव किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीवरेज की व्यवस्था और पानी सप्लाई की व्यवस्था, ये दो बड़े मेजर काम हैं 4,500 करोड़ रुपये के कंसीव किए हैं, 5 साल की प्लानिंग उसकी बनाई गई है। 12 रेन्यूअल इसका काम स्टार्ट हो गया है, 5 नए रेन्यूअल उसको भी आज मंजूरी दे दी गई है ताकि पीने के पानी का जो कमी आगे चल करके ना आए ये सारा काम किया है। सीवरेज सड़क और पानी इसका जो पूरा एक प्रकार का जैसे वैसे ग्रीवेंस कमेटी में मैंने ये उस समय एक इनको निर्देश दिए थे कि आईआईटी के द्वारा उस सारे का एक हम सर्वे करा लें, उसकी रिपोर्ट तैयार करा लें, क्योंकि फेजेज में काम करने के बाद कई जगह उसके डिफेक्ट आते हैं, पानी का खास करके फ्लो का सिस्टम ठीक न बने तो उसका पर्पज ही डिफ्यूट होता है। तो पूरे फरीदाबाद नया पुराना मिला करके और इसका जो सर्वे है वो आईआईटी से कराया जाएगा, मानव रचना भी उसमें सहयोग करने की बात कही है और भी कुछ संस्थाएं जो छोटी संस्थाएं हैं उसमें सहयोग करेंगी, तो मास्टर प्लान एक जो है वो फरीदाबाद का बनेगा। खेड़ी गाँव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि ज़मीन जो है किसानों की है और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है तो ऐसी ज़मीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के कि उस ज़मीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़क, इसको पहले 2 लेन थी अब उसको 4 लेन किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि डिपॉजिट वर्क उत्तर प्रदेश को ही हमको देना होगा, उन्हीं का क्योंकि नहर है इसलिए उनके साथ मिल करके उस नहर को उस सड़क को चौड़ा करने का एक विषय भी तय किया है। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीवरेज लाइन और पीने के पानी की व्यवस्था जो उसमें मैंने बताया है, जो एमसीएफ का भी सीवरेज सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की बात एफएमडी के जिम्मे लगाई गई है, जो मैंने पहले बताया 4,500 करोड़ का। सीसीटीवी कैमरास बढ़ते शहर में अब सीसीटीवी कैमराज की आवश्यकता है, तो 1009 नए सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी इसमें अप्रूवल हमने दे दी है। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो सीएनजी की बसें 50 तो वो आएंगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएँ, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल एफएमडी के साथ करके वो सब किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट हमको पता है जैसे बहुत तेजी से उधर काम चल रहा है,
तो जो फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया में ला करके उसका विकसित किया जाए, और दोनों साइड के फरीदाबाद उनको जोड़ने के लिए जो हमारा नेशनल हाईवे और मेट्रो इसके अंडरपास अथवा ओवरब्रिज बना करके और उन दोनों को जोड़ने का भी काम इसकी आवश्यकता हुई है, जिसको पीडब्ल्यूडी और एफएमडीए मिल करके इस काम को करेंगे।